हाँ तो बच्चों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक नर्स इक्वेशन के बारे में जानेंगे हम लोग। जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी बातें हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, आईपीसी कहता है कि सारी बातें हम रिडक्शन के टर्म में लिखेंगे, सारी बातें रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखेंगे। नर्स इक्वेशन बेसिकली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में रिलेशन को आपका बताता है, उसी को हम लोग पढ़ते हैं, उसी को दो तीन कंडीशन में हम लोग समझेंगे। तो अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में रखते हैं, कोई भी एक जनरल रिएक्शन लिखते हैं, रिडक्शन मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी आपका एक स्पीसीज जिसका पास एन पॉजिटिव चार्ज है, तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, आपका गेन करेगा, और आपका गेन करके आपका एम नाम का एक सॉलिड प्रोडक्ट बनाएगा। ये आपका प्रोडक्ट है, ये किसी इलेक्ट्रोड पर होने वाला एक केमिकल रिएक्शन है जो आपका रिडक्शन के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है। अब देखिए, अगर हम इसमें नर्स इक्वेशन लिखते हैं तो आपका क्या होगा बेटा, होगा रिडक्शन के टर्म में लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अब जब हम कोई भी आयनिक इक्वेशन लिखते हैं तो आयनिक इक्वेशन में नॉन आयनाइज पार्ट की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1 होती है, यूनिटी होती है। तो आप समझिए, फिर से इसको लिखते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन, प्रोडक्ट की जगह 1 हो जाएगा और रिएक्टेंट की जगह आपका आयनिक पार्ट हो जाएगा एम एन प्लस। अब आप सबको पता है कि ln को हम नेचुरल लॉग कहते हैं, इसको ओपन करते हैं, देख लीजिए ln x को हम लोग कहते हैं 2.303 log x लिखते हैं, ये आइडेंटिटी है आपका नेचुरल लॉग को ओपन करने का। उसके बाद r की वैल्यू आप सबको पता है, r आपका एक गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 8.314 होता है। टेम्परेचर अगर हम लेंगे तो केल्विन में लेंगे तो 300 केल्विन टेम्परेचर है बेटा, है ना। फराडे आपका चार्ज है जिसकी वैल्यू होती है 96487 कूलाम पर मोल, ठीक है ना। आपका एन क्या है, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इस पूरे केमिकल रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोड के ऊपर हो रहा है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। अब ये सारी वैल्यूज अगर हम लोग रखते हैं, इसको ओपन करते हैं, तो हमको एक इक्वेशन मिलता है, आपका देख लीजिए, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ आयनिक पार्ट मतलब रिएक्टेंट। ये आपको एक इक्वेशन मिलता है और इसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड नर्स इक्वेशन। इस इक्वेशन पे बहुत सारे आपके न्यूमेरिकल मिलेंगे जो हम लोग वन बाय वन करेंगे। तो सबसे पहले इस नर्स इक्वेशन का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके डिफरेंट कंडीशन के बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं बेटा। तो देखिए, ये है आपका एक नर्स इक्वेशन जो अभी आपको मैंने डेराइव करके बताया। डेरिवेशन सीधा आपके बोर्ड में डायरेक्ट डेरिवेशन भी आता है, तो डेरिवेशन बहुत सिंपल है, 2 से 3 मिनट में आपको समझ में आ गया होगा। सारी वैल्यू रिडक्शन के रिस्पेक्ट में हमको लिखना है, क्योंकि आईपीसी कहता है कि ऑल द वैल्यू वी कैन राइट इन टर्म ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। सारी वैल्यू हम रिडक्शन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, लिखेंगे। अब मात्र एक ही कंडीशन आपको यहाँ समझना है, कंडीशन एक ही है आपका, अगर रिएक्शन में क्या अटेंड हो जाए, एट इक्विलिब्रियम। अगर हमको कभी भी केमिकल रिएक्शन जो आपका इलेक्ट्रोड पे हो रहा है, कुछ समय बाद अगर आपका वहाँ इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है, तो इक्विलिब्रियम पे आपको बस केवल इतनी बात ध्यान देनी है, इक्विलिब्रियम का जो सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो हो जाता है आपका 0, और जो आपका एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट लिखते हो, इसकी जगह इक्विलिब्रियम पे हम लोग लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कहते हैं हम लोग। तो बस मात्र इतना आपको चेंज करना है, आपको इक्विलिब्रियम पे भी मिल जाएगा, वो तो क्वेश्चन में आंसर रहेगा। अब ई सेल की वैल्यू हम यहाँ 0 रख देंगे, सीधा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन हो जाएगा बेटा
log, जहां आपका product upon reactant था वहां आपका log k हो जाएगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू हो जाएगा 0.059 अपॉन एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर लॉग के, जहां के आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, कहीं कहीं के सी भी लिखा रहता है, आपने 11th क्लास में इसको देखा है केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो आपका ये इक्वेशन आ जाएगा, दिस इज द ओनली कंडीशन जहाँ इक्विलिब्रियम पे आपकी सारी बातें बताई गई हैं। तो ये पूरा नाश इक्वेशन के मात्र दो फार्मूले, एक मैंने ऊपर लिखा है जो डायरेक्ट आता है इक्विलिब्रियम करके आएगा तो ये आएगा, एक जो आपका जो गैल्वेनिक सेल में आपने जो रिएक्शन देखा था उस रिएक्शन के रिस्पेक्ट में सारी बातें हम लिख के एक बार आपको समझाते हैं तो आपका और थोड़ा ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा नाश इक्वेशन। तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए आप इसका। अब देखिए बेटा, गैल्वेनिक सेल में आपका हो क्या रहा था, गैल्वेनिक सेल में दो रिएक्शन हो रहा था, एक एनोड पे एक कैथोड पे। तो एनोड पे क्या हो रहा था, जो आपका गैल्वेनिक सेल था जो आपको मैंने बताया है, जिसने नहीं देखा है वो पिछला लेक्चर देखे आपको समझ में आ जाएगा। गैल्वेनिक सेल में एनोड पे हमेशा की तरह हो रहा था ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपका जो ZN है, ये आपका ZN कर क्या रहा था, ZN बना रहा था ZN प्लस टू, और आपका यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था। और कैथोड पे क्या हो रहा था, कैथोड पे हो रहा था बेटा रिडक्शन, क्या हो रहा था रिडक्शन, जिसमें आपका हो रहा था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉपर प्लस दो इलेक्ट्रॉन ले रहा था और आपका Cu सॉलिड बना रहा था। ओवरऑल अगर हम सेल के अंदर होने वाले रिएक्शन की बात करते हैं तो आपका क्या हो रहा है, ZN प्लस Cu प्लस टू, ये दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू आपका हो रहा था ZN प्लस टू एन प्लस Cu, ये ओवरऑल आपका रिएक्शन हो रहा था। अब इस रिएक्शन के लिए आपको नर्स इक्वेशन क्या करना है, लिखना है वेरी सिंपल। अब देख लीजिए ई सेल इज इक्वल टू, देख लीजिए सिंपल, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। एकदम क्लियर कट दिख रहा है आपका, पूरे प्रोसेस में दो इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, तो यहाँ जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए यहाँ आपका टू आ जाएगा यहाँ पे, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में जो नॉन आयनाइज पार्ट है उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, वन होती, यूनिटी होती है। तो हम इसमें प्रोडक्ट को इसको नहीं इंक्लूड करेंगे, रिएक्टेंट को इसको नहीं इंक्लूड करेंगे, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करते हैं तो आपका यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा ZN प्लस टू, और यहाँ आपका हो जाएगा क्या Cu प्लस टू, और इस तरह से आपने गैल्वेनिक सेल में होने वाले केमिकल रिएक्शन को नर्स इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया। अब मात्र एक मुद्दा जो आपको बताया था, अगर यही सारी बातें इक्विलिब्रियम पे आ जाए तो एट इक्विलिब्रियम, अगर आपका यही लिखना है एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे कुछ खास काम नहीं करना है, जो ई सेल है इसकी वैल्यू क्या करनी है, जीरो करनी है, और आपका जो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है उसकी जगह आपको के सी लिखना है, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट लिखना है। तो लिखते हैं हम लोग, यहाँ आपका जीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा जीरो बेटा, इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन टू लॉग आपका हो जाएगा के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये अगर हम लोग लिखते हैं, इसको ओपन करते हैं, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन टू लॉग के सी, ये आपका आ जाएगा इक्विलिब्रियम पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट अकर इन द गैल्वेनिक सेल, और इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू आपने कैलकुलेट करी है जिसकी वैल्यू आई थी 1.1 वोल्ट। तो आप समझिए जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे, अगर केसी पीसी कुछ भी दिया है, इस कंडीशन में जो आंसर आना है आपका 1.1 वोल्ट आना है, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिकल करके डिटरमाइन करा गया है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई नर्स इक्वेशन को हम लोग कैसे गैल्वेनिक सेल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो होपफुली नर्स इक्वेशन के बाद जो आपको दूसरा टॉपिक पढ़ना होता है वो आपका है गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी हम आपको बताते हैं, तब तक आप इसको एक बार दो बार चार बार आप इसको देखिए, तो हम आपको गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।